नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस में स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, सॉरी दोस्तों, बट चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट में 3-2 से यह बोल दिया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा है 10%, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। अब जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो इक्वालिटी, इक्विटी, इस प्रकार के शब्द निकल के आते हैं। जैसे जब हम लोग आज़ाद हुए थे दोस्तों, तो उस समय पे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज थी, जिनको सदियों से कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे दबाया गया था, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में डिसएडवांटेज थी। तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ये है कि यहाँ पे आपको एक बैरियर नजर आ रहा है, इस बैरियर के उस तरफ कुछ लोग देख रहे हैं, एक लंबा है, एक थोड़ा छोटा है, एक बहुत छोटा है, लेकिन इनको देखने के लिए जो पाया प्रोवाइड किया गया, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, वो बराबर हाइट का है। तो ठीक है भाई, तीनों को बराबर प्लेटफॉर्म का पाया प्रोवाइड किया गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेसिव क्लासेस थी, जो हायर क्लासेस थी, वो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा एडवांटेज रही थी। तो कहीं से भी आप उनको डिप्रेस्ड क्लासेस से आपके लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इक्विटी का प्रावधान लाया गया। इक्विटी के अंदर जो पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बेसिस पे डिप्राइव्ड रहे हैं, उनको आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले से डिप्राइव्ड, जो थोड़ा छोटा है, उसको दो पाए प्रोवाइड किए गए। ये होता है इक्विटी का कंसेप्ट। चूंकि क्या है, स्टार्ट में अब जैसे मान लीजिए कोई 80 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 40 किलो का है, और 20 किलो का वजन उठाना है, तो ऑब्वियसली बात है 80 किलो वाला एडवांटेज पे होगा और 40 किलो वाला कमजोर होगा। हो सकता है 40 किलो वाले को ठीक से खाना पीना ना मिला। तो ये होती है इक्विटी। इंडिया के अंदर रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में इक्विटी इस प्रकार से लाई गई कि डिप्रेस्ड क्लासेस को आप थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन अब यही बहस इकोनॉमिक फील्ड में हो रही है। क्या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिप्राइव्ड कैटेगरी में आओगे? इस बात को लेकर यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, इनको देखेंगे। हमारी सोसाइटी को एक्चुअली में चाहिए लिबरेशन। लिबरेशन मतलब सामने कोई बैरियर है ही नहीं, सब लोगों को बराबरी से चीजें नजर आ रही हैं, अब कंपीट करके अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ने का रास्ता निकालो। तो एक्चुअली वी आर स्ट्राइविंग फॉर लिबरेशन। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हम लोग इक्वालिटी और इक्विटी की बहस में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जैसी चीजें सोसाइटी को बीच से बांटती हैं, कुछ कम्युनिटीज के अंदर रोष की भावना लेके आती हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग लिबरेशन पे पहुंचे उतना बेटर है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा। सरोगेसी को अपोज करने के लिए भी जुडिशरी में, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन आई है, ये क्या है इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अमेंड करने की बात कर रहा है, अपडेट करने की बात कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अब इसको लेके काफ़ी भारी बवाल है, इसको देखेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड जो डाटाबेसेस और वेबसाइट्स हैं, इनको प्रोटेक्टेड सिस्टम्स का दर्जा दिया गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के अंदर, इसको देखेंगे। और इंडोनेशिया में सीरप मेडिसिन को कंज्यूम करने के चलते 195 बच्चों की मौत हुई है इंडोनेशिया में। अगर आपने सुना होगा तो रिसेंटली अफ्रीकन कंट्री गाम्बिया में इंडियन बेस्ड सीरप को पीने से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी WHO के हिसाब से। अभी इंडोनेशिया में जो सीरप पिया गया वो कौन सी कंट्री से बन के आया है, इसके बारे में अभी क्लियर कट जानकारी नहीं है। तो ये न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वी जस्ट होप कि ये इंडिया बेस्ड मेडिसिन ना हो। फिर आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे। एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के टाइज में मिनिमलिज्म है, आज की डेट में बातचीत ही ज़्यादा नहीं होती है। फिर माल न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में, जो बच्चे की जिंदगी के पहले 1000 दिन होते हैं, और इन 1000 दिनों में जो समय वो 9 महीना अपनी माँ के कोख में बिताता है, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड। फिर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी और फूड सिक्योरिटी को लेकर एक आर्टिकल है, कुछ खास दे नहीं रखा है इसमें G20 सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वाले 1-2 पॉइंट्स देख लेंगे। फिर लेफ्ट इन बंगाल के लिए फ्लिकर ऑफ होप, बेसिकली आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में 30 साल से ज्यादा तक लेफ्ट पार्टीज ने डोमिनेट किया था। 2011 में लेफ्ट पार्टीज को हटा के तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और तब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार डोमिनेंट है। तो लेफ्ट पार्टीज क्या यहाँ पे कमबैक कर सकती हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में, इसको लेके एक आर्टिकल है। और SC अपहोल्डिंग 10% EWS कोटा। तो ये एडिटोरियल वाला आर्टिकल और आज जो करंट अफेयर्स में आर्टिकल है, दोनों को साथ मिला के हम लोग समझ लेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फेयर एंड स्क्वायर बींग डायरेक्ट एट स्क्वायर। फेयर स्क्वायर मतलब बिल्कुल सीधे सीधे हम किसी चीज का एडजुडिकेशन कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने कोई चीज आई, हमने फेयर तरीके से, डायरेक्ट तरीके से उसका रेजोल्यूशन निकाला। तो मतलब हम इनडायरेक्टली छुपा के कुछ नहीं कर रहे हैं, फेयर स्क्वायर फेयर तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं और डायरेक्ट काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चलिए पहली न्यूज़, GS Paper 1-2
जुडिशरी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द ईडब्ल्यूएस कोटा। तो भाई 3-2 मेजॉरिटी डिसीजन से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके चलते 10% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे जो द हिंदू की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। लैंग्वेज क्या बोल रही है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तो रिजर्वेशन दे रहा है लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है इनको एक्सक्लूड कर रहा है, और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया, बोला है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं करता। तो कुल मिला के यहाँ हिंदू की भाषा काफी कॉन्डिसेंडिंग है, ठीक है। फिर देखिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड नहीं करता रिजर्वेशन में, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है, ठीक है भाई। अब समझिए बात को, कुछ स्टैटिस्टिक्स है और वो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो 3-5 जजेस थे यहाँ पे, 2 जजेस जिसमें से एक जज हैं जस्टिस भट्ट और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, इन दोनों ने तो कहीं ना कहीं इस 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट वोट किया और बाकी 3 लोगों ने फेवर में किया। तो 3 लोगों ने फेवर में, 2 लोगों ने अगेंस्ट में, मतलब ओवरऑल सरकार का ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो कोटा है ये सही माना गया है यहाँ पे। तो 3 जज यहाँ पे जस्टिस त्रिवेदी साहब जिनको लीड कर रहे थे उन्होंने ये बोला है कि भाई ठीक है जो लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर ने ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा बनाया है और लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड करता है, अप्रिशिएट करता है अपने लोगों की जरूरतों को, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन देना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, ये यहाँ पे बोल दिया गया। ये एक्चुअली 5 जजों ने बोला है लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित साहब ने यह बोला कि भैया शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सबसे ज्यादा गरीब है, तो इन गरीबों के पास से अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट छीन लोगे तो अपने आप में आप उनको डिसएडवांटेज कर रहे हो। हालांकि जो 3 जज इस कोटा के फेवर में थे, ईडब्ल्यूएस कोटा के फेवर में, उनका यह बोलना है कि अगर एससी एसटी ओबीसी और एससीबीसी कम्युनिटीज के अंदर भी हम ये ईडब्ल्यूएस वाला कोटा देने लगे तो ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स यहां पे 2 थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आप देश की बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन देखो तो इनमें 38% लोग शेड्यूल कास्ट हैं, 48.4% लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, 13.86% लोग ओबीसी हैं, केवल 5.85% लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। तो बेसिकली अगर बिल्कुल गरीबों का लॉट आप देखोगे तो उसमें एससी एसटी ओबीसी और एसईबीसी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा में से एससी एसटी एसईबीसी और ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को हटा देते हो तो टेक्निकली आप ओवरऑल ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट अनरिजर्व और जनरल क्लास में मिडिल क्लास के लोगों को देना चाहते हो, ये समझ में आ रहा है। देखिए जस्टिस भट्ट साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा के अगेंस्ट वोट डाला, एक्सक्लूजन फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कोटा बेस्ड ऑन सोशल और आइडेंटिटी ओरिजिन्स स्ट्रक एट द एसेंस ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूल and destroyed the equality code of the constitution. It amounted to the hostile discrimination of the poorest members of the society who were already socially and educationally backward and subjected to class discrimination. मतलब जस्टिस भट्ट साहब बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। सबसे पहली बात कि जो socially और educationally सबसे ज्यादा backward है, poorest members of society के, उनके against आपने hostile discrimination किया है EWS कोटा को लाके और equality code को आपने violate किया है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिस त्रिवेदी साहब जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा के फेवर में है वो देखो क्या बोल रहे हैं। दोनों पॉइंट समझा रहा हूं आपको। द अमेंडमेंट सर्टेनली कैन नॉट बी टर्न्ड एज अ शॉकिंग अनस्क्रपुलस ट्रेवेस्टी ऑफ इक्वल जस्टिस, जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स विल ऑफेंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इन आर्टिकल 14। अब ये बहुत डीप बात है जस्टिस त्रिवेदी साहब की, इसको मैं समझाता हूं ढंग से। क्या था दोस्तों, जब ये रिजर्वेशन इंडिया के अंदर बनाया गया था तो उस समय पे क्या था कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई आप बैकवर्ड क्लासेस को लोगों को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो। फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास से भावुक मत होइएगा, मैं आपको डिनोट करने के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। तो फॉरवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास कह लीजिए, सो क्रॉस डिप्रेस्ड क्लास कह लीजिए,
सो कॉल्ड में कुछ लोग गलत समझ जाते हैं कि सो कॉल्ड निगेटिव, सो कॉल्ड बेसिकली एक कॉन्डिसेंडिंग शब्द है कि हाँ भाई आप किस बेसिस पे डिप्रेस क्लासेस को डिप्रेस क्लासेस बोल रहे हो, इसलिए सो कॉल्ड लगाया जाता है साथ में। कुछ लोग गलत समझ जाते हैं इसका मतलब। तो चलिए समझाने के पर्सपेक्टिव पे वापस आते हैं। अपर क्लास बैकवर्ड क्लास, जब देश आजाद हुआ तो जब बैकवर्ड क्लास या डिप्रेस क्लासेस को लोगों को रिजर्वेशन दिया गया तो अपर क्लास के लोगों ने अपोज किया, ये बोला कि भाई आप उनको किस आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हो, कोटा दे रहे हो। तो उस समय पे ये लॉजिक रीजनिंग सामने रखी गई कि जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं, तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज होने की वजह से इक्वल पैरामीटर्स पे वो फॉरवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक एडवांटेज देना है और रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है भाई, अब फास्ट फॉरवर्ड टू ईडब्ल्यूएस कोटा, आज के समय पे आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा में ये बोला गया कि भाई देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों के अंदर भी गरीबी है, ठीक है ना, और एससी एसटी ओबीसी इन लोगों के अंदर भी गरीबी है। अब बात ये है कि एससी एसटी ओबीसी के अंदर जो लोग हैं वो जो गरीब हैं उनके पास तो एक कोटे का ऑप्शन है, बट जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी के अंदर जिनके पास कोई भी दूसरा कोटा बेनिफिट नहीं है, वहां जो गरीब है उनके पास किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है, इसलिए हम यहां पे उनको कोटा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर ये ओपन कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा बेनिफिट हम एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी को भी दे देंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना इस कोटे का, ये त्रिवेदी साहब बोल रहे हैं। त्रिवेदी साहब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी ओपन कैटेगरी में जो गरीब है वो डिसएडवांटेज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दोस पुअर्स जो कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो यहां पे भी तो इनइक्वालिटी आ गई। तो इसी इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए हमने ओपन कैटेगरी के अंदर का जो ईडब्ल्यूएस कोटा है इसको सही माना है। समझ रहे हो ना पॉइंट को, कि जब ओपन कैटेगरी के अंदर जो गरीब है उनके पास किसी भी प्रकार का कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था, उसी समय पे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो गरीब थे उनके पास कोटा बेनिफिट था, तो इनइक्वालिटी हुई ना यहाँ पे। इसी इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया और उसमें एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। एक और यहां पे व्यू पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, एक और व्यू पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई एससी एसटी ओबीसी कोटा लंबे समय से चल रहा है, उसके बावजूद भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के अंदर भी जो कोटा प्रोवाइड किया गया है इसके बेनिफिट्स टॉप के लोगों के पास चले जाते हैं, और जो एक्चुअली में गरीब है एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के अंदर लोग वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो यहां पे ये जरूरत है कि एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के अंदर जो कोटा है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए, थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया जाए, वहां पे कुछ पैरामीटर्स रखे जाए जिसके बेसिस पे, जैसे कि ओबीसी कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल देखिए आप ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप एक आईएएस आईपीएस हो या फिर अमीर हो तो फिर आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे, आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आओगे। तो ओबीसी कम्युनिटी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जैसा एक सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन एससी एसटी के अंदर नहीं है। तो एससी एसटी के अंदर कोई आईएएस भी बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है तो उसका बेटा भी कोटा बेनिफिट ले सकता है। तो ये कुछ ऐसे आप कह लो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है रिजर्वेशन में जिनको हटाने की जरूरत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ दोनों पक्षों ने यहां पे क्या बोला ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और बात, जस्टिस महेश्वरी ने बोला, देखिए क्या है कि जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा था ये 50% की सीलिंग को वायलेट कर रहा था रिजर्वेशन। आपको पता है 15% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब, 27% फॉर ओबीसी, तो कितना हो गया 22.5 प्लस 27, 49.5% रिजर्वेशन। तो लगभग 49.5% रिजर्वेशन है, 50.5% अनरिजर्व है। अब इस 50.5% में से 10% आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा दे रहे हो। तो इंदिरा सानी जजमेंट में बोला गया था 1992 में कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% एक्सीड नहीं कर सकता। तो जस्टिस महेश्वरी साहब बोल रहे हैं कि जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है ये 50% की सीलिंग लिमिट को ब्रीच कर रहा है, बट एक्चुअली में ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं है, ये एक प्रकार का वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिया जा सकता है। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के उस एडिटोरियल के आर्टिकल पे जहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। यहां पे ये बताया जा रहा है कि देखिए 1992 में जो इंदिरा साहनी जजमेंट आया था, इस इंदिरा साहनी जजमेंट को एक्चुअली में लाया क्यों गया था, उससे पहले सरकार ने 27% का रिजर्वेशन बनाया था ओबीसी कम्युनिटी के लिए, काफी बवाल भी हुआ था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वगैरह आई थी, ये सब अगर आपको आपने मेरे इकोनॉमी के लेक्चर्स पढ़े तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पास गर्मा गर्मी बढ़ी, ये बोला गया कि भाई ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 27%
उस रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार ने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रखा था। तो ये दो रिजर्वेशन बढ़ाए गए थे, 15% SC और 7.5% ST रिजर्वेशन तो था ही, उसके साथ साथ कांग्रेस सरकार ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% EWS रिजर्वेशन, ये दोनों सामने रखे थे। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पहला ये जो 27% रिजर्वेशन था ओबीसी का इसको तो मान लिया, लेकिन ये जो 10% रिजर्वेशन था EWS का इसको मानने से मना कर दिया। ठीक है भाई, ये 1992 इंदिरा सानी जजमेंट में हुआ था, और उसी जजमेंट में, इंदिरा सानी जजमेंट में यह बोला गया कि भाई देखिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकता। अब उस लॉजिक को यहां पे ओवरटर्न कर दिया गया है। अब यहां पे जो पुराना लॉजिक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, उस क्राइटेरिया को ओवरटर्न दे गया कर दिया गया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और 50% की सीलिंग भी यहां पे ओवरशूट कर गई है, जो कि पहले तो 49.5% रिजर्वेशन, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ रिजर्वेशन और टोटल क्वांटम 59.5% हो गया। और इंदिरा सानी जो जजमेंट था उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस थे वो 9 जज बेंच थी, यहां पे कितने जजों की बेंच है जिसने ओवरऑल 10% EWS कोटा को सही माना है, 5 जजों की बेंच है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई यहां पे। तो एक्चुअली में ऑथर इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू ये क्रिटिसाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आपके ही इंदिरा सानी जजमेंट ने ये बोला था कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% ओवरशूट नहीं हो सकता, और ओवरऑल 10% का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला क्राइटेरिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आप 50% की रिजर्वेशन लिमिट को भी एक्सीड कर रहे हो, और 10% जो क्राइटेरिया है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इसको भी आप अप्रूव कर रहे हो, और वो भी तब जब पहले वाली बेंच 9 जजों की थी और अभी की बेंच 5 जजों की थी। तो इन सब चीजों के ऊपर भी आगे अभी बहुत सारे लीगल डिस्कशंस आने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए ओवरऑल ये मुद्दा क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, अलग अलग जजेस के क्या व्यू पॉइंट है वो भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट भाई, सरोगेसी लॉ को चैलेंज, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है सरोगेसी लॉ को चैलेंज करते हुए। पिटीशन फाइल किसने की है? तो एक तो सिंगल मेल ने पिटीशन फाइल की, अनमैरिड मैन ने, जिसका नाम है करण बलराज मेहता, और दूसरी है पंखुरी चंद्रा जो कि एक मैरिड वुमेन है और एक बच्चे की माँ है, इन्होंने पिटीशन फाइल किया। इनका यह बोलना है कि सरोगेसी लॉ में जो भी चेंजेस किए गए हैं थ्रू द असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट, ARTE एक्ट आप बोलते हो उसको, और दूसरा सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, तो इन दो एक्टों के थ्रू सरोगेसी लॉ में जो भी चेंजेस किए हुए हैं इनके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इन दो लोगों ने, दोनों का मैंने आपको नाम बता दिया। अब कौन से लॉज को ये दोनों लोग यहां पे चैलेंज कर रहे हैं तो समझिए, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को अगर आप पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि मैरिड कपल सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चा वो केवल मैरिड मेडिकल ग्राउंड पे कर सकते हैं। मतलब अगर एक मैरिड कपल के पास ऑलरेडी एक बच्चा है तो फिर वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पहली चीज। तो मतलब पहले जो शाहरुख खान वगैरह ने सरोगेसी के थ्रू अपने बच्चे वगैरह कर रखे हैं ये अब अलाउड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कपल का यहां पे परिभाषा क्या है? कपल की परिभाषा है मैरिड इंडियन मैन एंड वुमेन, मतलब एक मैन मैन और वुमेन वुमेन के कपल को यहां पे सरोगेसी लॉ का बेनिफिट नहीं मिल सकता, सरोगेसी का बेनिफिट नहीं मिल सकता, ये एक और चीज है। प्लस जो मैन और वुमेन मैरिड कपल है ना उसमें ओवरऑल वुमेन की एज रेंज होनी चाहिए 23 से 50 साल और मैन की एज रेंज होनी चाहिए 26 से 55 साल। अगर इस एज में मैन और वुमेन नहीं आते हैं तो भी वो सरोगेसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। प्लस सरोगेसी लॉ में एक सिंगल वुमेन सरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सकती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो या तो विडो हो या डिवोर्सी हो, यानी या तो उसके पति की मृत्यु हो गई हो या फिर उसकी शादी हुई हो बट उसने डिवोर्स ले लिया हो। तो एक सिंगल वुमेन सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर सकती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो विडो हो और डिवोर्सी हो और 35 साल से 45 साल के बीच में उसकी एज ग्रुप हो, और सिंगल मैन को तो सरोगेसी के थ्रू यहाँ पे बच्चा पैदा करना अलाउड ही नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पे नियम कानून है। अब इन नियम कानूनों के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर दी है करण बलराज मेहता और पंखुरी चंद्रा ने। इनका यह बोलना है कि भाई सिंगल मैन क्यों नहीं सरोगेसी से बच्चा पैदा कर सकता, मतलब सिंगल मैन सरोगेसी से बच्चा करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा, और अगर बच्चा बच्ची हुई तो क्या एक बाप अपनी बच्ची का शोषण करेगा? मतलब इस प्रकार के व्यू पॉइंट के हिसाब से आप एक सिंगल मैन पूरी मैन जात के ऊपर ही डाउट करके उसको सरोगेसी का बेनिफिट नहीं दे रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है? दूसरा, मैरिड वुमेन ये कह रही है कि माना कि मेरा एक बच्चा है
मैं दूसरा बच्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चे के लिए मैं अपने कोक से नहीं करना चाहती। होता है ना कि भाई अब क्या है, एक बच्चा एक माँ के शरीर का पूरा खून चूस लेता है। बच्चा पैदा करना आम बात नहीं होती। आप देखोगे कि अक्सर कर औरतों को बच्चा पैदा करने के बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारे मेडिकल इश्यूज जाते हैं, उनके बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केसेस में इस हिसाब से इंडिया में ऐसी बहुत सी मैरिड लेडीज हैं जो कि एक बच्चा पैदा करती हैं और चाहती हैं कि जो दूसरा बच्चा हो वो सरोगेसी के थ्रू पैदा कर लें। कुछ ऐसी लेडीज है जो एक भी बच्चा नहीं पैदा कर रही, वो सीधे सीधे सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उनको कोई मेडिकल इशू भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में लॉ ये बोलता है कि अगर आप मैरिड वुमेन हो और अगर आपका एक बच्चा है और कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है तो फिर आप सरोगेसी का यूज नहीं कर सकती। तो पंखुरी चंद्रा यहाँ पे बोल रही कि नहीं भाई, मैं सरोगेसी के थ्रू ही बच्चा करना चाहती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक बच्चा है, तो मुझे यहाँ पे मना क्यों किया जा रहा है। अब ओवरऑल जब दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की तो पिटीशन तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर का रिस्पांस देना पड़ेगा, जो कि जो नियम कानून बनाए गए हैं सरोगेसी के, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा बनाए गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि भाई देखिए, ये जो क्लॉजेस जिनको हटाने की बात कर रही है पिटीशन, अगर ये डाइल्यूट कर दिए गए तो दोनों एक्ट का जो मेन पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इनको इसलिए बनाया गया है, इनकी प्रोविजंस को इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है ताकि एम्ब्रियोस और न्यू बॉर्न्स का कॉमर्शियलाइजेशन ना हो। अब ये बात भी सरकार की सही है, भाई एक मदर जिसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, अगर वो दूसरा बच्चा पैदा करती है सरोगेसी से, तो बहुत ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि वो किसी ना किसी को पैसे का लालच देके या पैसे का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के बच्चा पैदा करवाएगी। सरकार क्या बोलती है कि पैसे से आप हम सरोगेसी नहीं करेंगे, अगर आपको मेडिकल इशू है, आप बच्चा सच में पैदा नहीं कर पा रही है, तो ठीक है आप सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर लो, बट अगर आपके पास मेडिकल इशू नहीं है तो आप अपना बच्चा खुद पैदा करो। आपने एक बच्चा पैदा कर लिया, दूसरे बच्चे के लिए अपने शरीर पे जोड़ नहीं डालना चाहती हो तो ठीक है आप मत डालो, एक ही बच्चे से काम चलाओ, दूसरा बच्चा आप सरोगेसी से नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिर कॉमर्शलाइजेशन होता है। क्योंकि दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए आप किसी एक दूसरी औरत को पैसा वगैरह दोगे, और सरोगेसी में बेसिकली एम्ब्रियोज और न्यू बॉर्न्स में हम कॉमर्शलाइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार का व्यू पॉइंट। तो सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में यह बोलना है कि इस प्रकार के प्रोसीजर और पेटिशंस को अगर हम मानते हैं तो ओवरऑल सरोगेसी में जो भी कॉमर्शलाइजेशन चल रहा है मार्केट में, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने बोला कि यहाँ पे अगर ये पंखुरी चंद्रा और करण बलराज मेहता की व्यू पॉइंट को मान लिया जाता है तो सरोगेसी से रिलेटेड अब तो जो दो लॉज बनाए हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा टारगेट है कॉमर्शियल सरोगेसी को खत्म करना, हमने कॉमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा दिया है, इसके चलते बहुत सारा इलीगल मार्केट प्रोलिफरेट करता था। तो ये हमारा पॉइंट सही है, सरकार ये बोल रही है। जो पिटिशनर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। लेट्स सी दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे क्या बोलती है। दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे जो भी बोलेगी उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी वो जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2-1 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, नीड टू अपडेट एनपीआर अगेन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ड्यू टू बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन MHA एनुअल रिपोर्ट। तो भैया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की जरूरत है और बर्थ डेथ और माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इंक्लूड करने की जरूरत है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट में बोला है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई 7 नवंबर 2022 को यानी कि कल। क्या है, पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया था 2010 में, उसके बाद इसको अपडेट किया गया 2015 में, अब इसको फिर से अपडेट करने की बात की जा रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट अपोजिशन आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि अपोजिशन क्यों आ रहा है एनपीआर की तरफ। तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये बोलना है कि एनपीआर अगर अपडेट हो जाता है तो उसके डाटा के हिसाब से नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाएगी सरकार, और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में ये एक्चुअली में लिखा होगा कि एक्चुअली में भारत का नागरिक है कौन। अब क्या है, आसाम में ऑलरेडी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन आ चुका है, पूरे देश के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की बात हो रही है। अगर आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको एनआरसी के डाटा के साथ जोड़ोगे। अब इसके साथ CAA का भी लॉजिक आ जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में दोस्तों आपको याद होगा काफी भारी बवाल हुआ था 2 साल पहले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर। अब जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 आया तो इसमें CAA के अंदर जो 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाली, जिन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री ले ली थी 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको इंडिया के नागरिक बनाने की बात की गई। मैं बता दूं CAA 2019 भले ही पास हो चुका है, अब तक इसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए, अब तक एक भी इंडिविजुअल को
भारत की नागरिकता नहीं मिली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, इस बात पे कन्फर्मिटी रखिएगा, एक भी इंसान अभी भारत का नागरिक नहीं बना है एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ था। भारत सरकार ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में CAA को एक कंपैशनेट और एमेलियोरेटिव लेजिस्लेशन बताया था और यह बोला था कि इसका कोई भी इम्पैक्ट भारतीय नागरिक के ऊपर नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली बात है धर्म से रिलेटेड प्रोविजंस थे तो बहुत से लोग अपोज करने लगे कि इंडिया में धर्म के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, तो कुछ धर्म के लोगों को आप सिटीजनशिप दे रहे हो, एक धर्म को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो। इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ था, आपको बताने की जरूरत नहीं अलग से। अब बीच बीच में क्या किया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को NRC को जोड़ा गया, जैसे कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन आया आसाम के अंदर। अब उसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो गए, बहुत सारे हिंदूज भी एक्सक्लूड हो गए, बहुत सारे मुस्लिम्स भी एक्सक्लूड हो गए। तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तब सबको ये लगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी भारत की, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी। इसलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को NRC से जोड़ा गया तो काफी भारी बवाल हुआ और यह बताया गया कि सरकार यहां पे एक चाल चल रही है CAA और NRC को एक साथ मिला के हिंदुओं को नागरिकता देगी, मुस्लिम्स को हटा देगी। बाद में सरकार ने क्लैरिफाई किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि कितना भी सरकार क्लैरिफाई कर दे, अक्सर कर इन बातों को लेके बवाल होने लगता है। अभी जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की बात है, और इसको अपडेट करना भी एक्चुअली में जरूरी है, भाई किस जगह पे कितनी नई बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, कितने लोग माइग्रेट करके बाहर चले गए, कितने लोग यहाँ पे आके रहे, ये जब इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहती है तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट वगैरह बांटने में काफी मदद मिलती है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये बोल रही है कि भाई हम यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बोला गया, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही कि इसको अपडेट करके नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस के डाटा को आप अमेंड करोगे, मुस्लिम्स के डिसएडवांटेज में आप काम करोगे। तो ये अक्सर कर ब्लेम गेमिंग इंडिया के अंदर होती रहती है। वैसे मैं बता दूं कि भाई अप्रैल से दिसंबर 2021 में 1414 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ग्रांट हुए नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रोसिक्यूट होकर इंडिया के अंदर आई थी। और ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं दिए गए थे, भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 2003 के अंदर 29 डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर को ये ताकत दी कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ चुके हैं, बाकी नियम कानूनों को पूरा कर रहे हैं, उनको आप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हो। लगभग 14 से 14 लोगों को ग्रांट किए गए। इस बार भी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, गुजरात की 2 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ताकत दी गई है। वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले। ठीक है भाई, वैसे इंडिया के अंदर किस हिसाब से यहाँ पे बाहर से आने वाली माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दी जाती है, तो देखिए क्या होता है कि बाहर से आने वाले लोगों को पहले भारत सरकार लॉन्ग टर्म वीजा देती है, LTV। अगर आप देखो तो 2439 लॉन्ग टर्म वीजा दिए गए हैं MHA के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, जो मार्च से दिसंबर 2021 के टाइम पीरियड में इंडिया में आए। पाकिस्तान से 2193, अफगानिस्तान से 237, अफगानिस्तान से तो बड़ी तादाद में रिसेंटली लोग आए, और बांग्लादेश से 9। लॉन्ग टर्म वीजा भारत सरकार दे रही है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर सेटल होना चाहेंगी, कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सेफ फील नहीं होती और कल की डेट में इंडिया के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ये बात भारत सरकार को पता होती है LTV देते वक्त। ठीक है, फिर अगली न्यूज, GS पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। सेंसस का डाटा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड डाटा और इस डाटाबेस को होस्ट करने वाली जो भी वेबसाइट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के अंदर प्रोटेक्टेड सिस्टम का दर्जा दिया गया है 7 नवंबर 2022 को। इस प्रोटेक्टेड सिस्टम को आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हो। तो सेंसस एक्सरसाइज और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड डाटाबेसेस को प्रोटेक्टेड सिस्टम और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब NPR डाटाबेस, सेंसिस डाटाबेस और इससे रिलेटेड वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार की टेम्परिंग होती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, तो उस केस में आपको 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। ये जो डाटा सेंटर्स हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास है, NPR का डाटाबेस ऑब्वियसली बात है क्लाउड सर्वर्स में प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और 7 नवंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह बोला कि अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008
केंद्र की सरकार ये डिक्लेयर कर रही है, ध्यान से सुनिएगा कुछ टेक्निकल टर्म्स है, कंप्यूटर रिसोर्सेज रिलेटेड टू सेंसर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल, देन सेल्फ इम्यूनिमरेशन वेब पोर्टल, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेशन एंड लाइन डाटाबेसेस इंक्लूडिंग एनपीआर डाटाबेस, सेंसस डाटाबेस, सीआरएस डाटाबेस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटाबेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज सेटअप इंस्टॉल्ड एट एनडीसी नेशनल डाटा सेंटर आरजीआई दिल्ली, देन डिजास्टर रिकवरी साइट डीआरएस एंड डाटा सेंटर एट बेंगलुरु एंड लखनऊ, इन सबको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का खिताब दिया जाएगा ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसर कमिश्नर इंडिया के हिसाब से, और इन सबको प्रोटेक्टेड सिस्टम बोला जा रहा है। प्रोटेक्टेड सिस्टम मतलब कि भाई अब ओवरऑल इन डाटाबेसेस से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हो तो भाई 10 साल तक जेल में जा सकते हो। ठीक है, यहां पे और भी कुछ बातें यहां पे बता रखी हैं, कौन से बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर डाटाबेस को आप प्रोटेक्टेड सिस्टम बोल सकते हो या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो सेक्शन 70 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये बोलता है कि भाई सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में छाप के उस कंप्यूटर रिसोर्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप कह लो प्रोटेक्टेड सिस्टम बोल सकती है जिस कंप्यूटर रिसोर्स के इनकैपेसिटेशन से या डिस्ट्रक्शन से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पे इम्पैक्ट है। तो आईटी एक्ट के हिसाब से वो प्रोटेक्टेड सिस्टम्स या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अगर कुछ नुकसान पहुंचता है, जिसका इनकैपेसिटेशन होता है, तो उससे नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आएगा, भारत के पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, तो उसको आप प्रोटेक्टेड सिस्टम या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो। और सरकार यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन छाप कर ही किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेजिग्नेट करती है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। अगली न्यूज, जीएस पेपर टू हेल्थ, भैया सीरप मेडिसिन को पी के इंडोनेशिया में लगभग 195 बच्चों की मौत हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इंडोनेशिया ने अक्टूबर 2021 के लगभग पे फिगर बताया था 133, अब ये फिगर अभी के समय पे नवंबर 8 तारीख तक हो चुका है 195। और ज्यादातर ये जो डेथ्स हो रही है इंडोनेशिया में ये हो रही है एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से। ओके, एक्यूट किडनी इंजरी के 320 केसेस देखे गए हैं इंडोनेशिया के अंदर, 27 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ज्यादातर जो ये बच्चे हैं ये 5 साल से कम की उम्र के हैं। और जब इन सीरप्स को टेस्ट किया गया तो पता चला कि इन सीरप के अंदर एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया। इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब गाम्बिया में बच्चों की मृत्यु हुई थी। इंडोनेशिया की नेशनल फूड और ड्रग एजेंसी ने पिछले महीने 5 सीरप्स को नेम किया जिसके अंदर बड़ी क्वांटिटी में इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथाइलिन ग्लाइकोल था। और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया की नेशनल फूड एंड ड्रग एजेंसीज ने इन सारे सीरप्स को मार्केट से हटाने की भी बात की थी। ये सीरप इंडिया के हैं नहीं है इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये बात तो क्लियर है कि वेस्ट अफ्रीका में जो गाम्बिया में 70 बच्चे मरे थे वहां पर WHO ने इंडिया बेस्ड कफ सीरप्स की बात की थी। ठीक है ना, यहाँ पे इंडोनेशिया में कौन सी कफ सीरप्स हैं इस बात को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, बट इस प्रकार की न्यूज अक्सर कर निकल के आती है कि सीरप्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल या डाइथाइलिन ग्लाइकॉल होने की वजह से, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कई बार बच्चों में मौत के केसेस देखने को मिले हैं। और ज्यादातर ये मौत के केसेस उन बच्चों में हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों तो कर दीजिएगा। जो एक एडिटोरियल था मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वो रिजर्वेशन को लेके, यहाँ पे है था एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान टाइस। हैप्पीमैन जेकॉब साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, एसोसिएट प्रोफेसर है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन डिसार्मेंट स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली। इनका यह बोलना है कि इस समय पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कोल्ड पीस चल रहा है, मतलब पीस है बट वो कोल्ड है, वो कभी भी गर्मा सकता है मामला। आज की डेट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन मिनिमलिज्म पे आ चुके हैं। मिनिमलिज्म मतलब बायलेटरल रिश्ते बढ़ने के कोई आसार है ये ना इंडिया सोच रहा है ना पाकिस्तान सोच रहा है, किसी भी प्रकार का वार्म्थ नहीं है रिलेशनशिप में। लाइन ऑफ कंट्रोल में भले कोल्ड पीस बन गया है UAE ब्रोकर्ड की, ठीक है भाई अभी के लिए सीज फायर वॉल्यूशन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कश्मीर को लेकर वर्बल एक्सचेंजेस थोड़े से लिमिटेड हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक कोल्डनेस है रिलेशंस में, और वार्म्थ लाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ की पार्टीज को ये पता है
पॉलिटिकल बॉसेस को भी पता है कि काफी मुश्किल है। अक्सर कर इंडिया पाकिस्तान का जो मेलोड्रामा वो तब देखने को मिलता है जब कोई क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, नहीं तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछले कुछ सालों में चीज़ें देखने को मिली जैसे कि इंटेंस इंगेजमेंट, पाकिस्तान की तरफ से हाई वैल्यू टेरर अटैक हुए, इंडिया ने तगड़े तरीके से रिस्पॉन्स किया, टॉक्स टूट गई, फिर कुछ समय बीता भाई फिर से गर्माहट आई, फिर से बातचीत शुरू हुई, फिर से पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, फिर से सारा रायता फैल गया, फिर से इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, फिर से शांति हुई, फिर से बातचीत होने लगी। तो इस प्रकार की जो साइकिल चल रही थी वो साइकिल यहाँ से रुकती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के रिस्पेक्ट में हैप्पी मन जैकब साहब बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल पाकिस्तान के मुद्दे को लेके रूलिंग पार्टी कांग्रेस को काफी क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में पाकिस्तान को कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी नहीं गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, एक्चुअली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस समय पे नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनको अपनी इनॉग्रल फंक्शन में मोदी जी ने बुलाया भी था, ये आए भी थे। फिर एक सरप्राइज विजिट लाहौर दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं दोनों कंट्री को मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई। दो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक और हो गया, फिर सितंबर 2016 में उरी पे टेरर अटैक हो गया, पलट के इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर फरवरी 2019 में पुलवामा में टेरर अटैक हो गया। तो पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक्स रुक नहीं रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे बायलेटरल रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाए होने वाला नहीं था। तो इंडिया ने भी एक मेजर स्टेप लिया, अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। और पहले क्या था कि जो भारत का एस्टेब्लिशमेंट था, जो पॉलिटिकल सेटअप था, जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स थे, वो कुछ इस प्रकार से सोचते थे कि यार अगर कश्मीर में स्टेबिलिटी चाहिए तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तो बेटर है। लेकिन अभी की सरकार ऐसा नहीं सोचती, अभी की सरकार को क्लियर है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल मास्टर्स को भी ये पता है कि भाई पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ही अपने आप में एक बड़ा ही फ्यूटाइल एफर्ट है, इससे ज़्यादा कुछ निकल के आने वाला है नहीं। आज की डेट में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन एक बैक चैनल कन्वर्सेशन में बदल चुके हैं। कभी कभार इंडियन एनएसए और पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में बातचीत हो जाती है और उसका मेन पर्पज़ ये रहता है कि यार लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज़्यादा बवाल ना हो, बहुत ही वार्म लेवल हो रिलेशंस में, ट्रेड बड़े स्केल पे बढ़े, बायलेटरली हम अलग अलग मुद्दों पे इंगेज करें, इस बात के चांसेस बहुत कम है। इसकी 5 वजहें बताई जा रही है। पहली वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में हिस्ट्री ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ड्यूअल पावर सेंटर, एक तो सरकार है और एक आर्मी है, और दोनों ही साइडों में पॉलिटिकल विल की कमी है। इसके चलते ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते। प्लस हम अगर आप देखो तो ये तो रिकॉग्निशन दोनों साइड्स पे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सच है कि पाकिस्तान के साइड पे एक जो बहुत ही रेडिकल तबका है उसको लगता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया तो उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑनलाइन हेट के चलते, पॉपुलिज्म के चलते हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन आ रखी है, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ इन आर्मी चल रहा है, तो ऐसे केसेस में कोई भी एक पार्टी प्रो इंडिया स्टैंड यहां पे नहीं ले सकती, क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अगेंस्ट हेट फैला के ही फलता फूलता है। फिर अगला यहां पे क्या बताया जा रहा है, पहले एक सोच थी इंडिया के अंदर नई दिल्ली में, ट्रेडिशनल लॉजिक था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल कर लें उसके बाद हम बड़े चैलेंजेस की तरफ बढ़ेंगे, चाइना जैसे चैलेंजेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज आ चुकी है कि पाकिस्तान के सारे साथ सारे कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं हो सकते। एक इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो कि सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, इसको लेके भी कभी कभी डाउट उठता है, ब्लेम गेमिंग चलने लगती है। तो इंडिया को अपने बाकी प्रॉब्लम्स को पैरेलली रिजॉल्व करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स का फाइनल रेजोल्यूशन होगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। प्लस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तानी अग्रेशन है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड कश्मीर, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कश्मीर में आके बम वगैरह फोड़ते, इनस्टेबिलिटी फैलाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पहले तो इंडिया को यह लगता था कि कश्मीर में पीस लाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है, अब यह भी नहीं लगता। अब इंडिया के पॉलिटिशियंस को कॉन्फिडेंस है कि बिना पाकिस्तान से बात किए ही कश्मीर में हम पीस को लेके आ सकते हैं। और अब फाइनली क्या है कि एक तालिबान लेड अफगानिस्तान है, तो तालिबान लेड अफगानिस्तान कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ डील करना, प्लस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारा चाइना के साथ भी बवाल चल रहा है, उसके साथ चीज़ों को देखना,
तो कहीं ना कहीं ये जो कोल्डनेस है इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में, ये ठीक है, क्योंकि इस कोल्डनेस में फिर भी सीधे हम भिड़ नहीं रहे, सीधे हमारी लड़ाई नहीं हो रही है इंटरनेशनल एरा में, एरेना में। हम लोग कश्मीर को लेके एक दूसरे के ऊपर स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं, ह्यूमन राइट्स को, माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट को लेके, मछुआरों को पकड़ने को लेके एक दूसरे के ऊपर स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोशिश यहाँ पे नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इतने बुरी तरीके से हालात हो चुके हैं दोनों रिश्तों के, कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही है। ओके भाई, तो ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। अब इसमें जो भी बातें हैं ना दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कई बार मैं इस प्रकार के आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ दे नहीं रखा है। अब ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भाई। अब इसके लिए यंग चाइल्ड फीडिंग और मैटरनल न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक बच्चे का इनिशियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है उसकी आगे की लाइफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, खासकर बच्चे की जो जिंदगी के पहले 1000 दिन होते हैं ना, कि कंसेप्शन हुआ और उसके बाद के, फ्रॉम द कंसेप्शन टू द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कंसेप्शन के बाद 9 महीना तो बच्चे को पैदा होने में लगेगा, और उसके बाद के भी 2 साल उसकी जिंदगी के, तो ये हो गया लगभग 1000 दिन उस बच्चे की जिंदगी की। इस 1000 दिनों में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो फेज होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट का, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है। इसमें उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, ऑप्टिमल ग्रोथ, डेवलपमेंट, सर्वाइवल, सब पे हमें ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 80% ब्रेन का डेवलपमेंट एक बच्चे का पहले 1000 दिनों में होता है। तो ओवरऑल हम कहीं से भी पहले 1000 दिनों के बच्चे के डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, साइडलाइन नहीं कर सकते। अब इस कंटेक्स्ट में देखो तो क्या भारत सरकार कुछ कर रही है? देखिए, भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। भारत सरकार ने चला रखी है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, नूरिशमेंट, जिसको आप बोलते हो पोषण अभियान। अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का गोल क्या था? कैपेसिटी बिल्डिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंट प्लानिंग। अब पोषण स्कीम के क्या क्या फायदे हैं यहाँ बताया जा रहा है। पोषण स्कीम 2018 की स्कीम है, तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको मदद करते हैं पुरानी स्कीम के बारे में एक रिवीजन करने में, ठीक है ना भाई। तो 2018 की जो पोषण स्कीम है, ये किस प्रकार से ओवरऑल चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही है, ये हमने एक प्रकार से रिवाइज किया। फिर उसके बाद पहले 1000 दिनों में और बहुत सी मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल चेकअप, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि एक माँ प्रोग्राम चलाया गया था, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, जिसके चलते ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। तो एविडेंस के बेसिस पे ये पता चलता है कि 2015-16 के कंपैरिजन में आज की डेट में जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है ना भाई। पहले 1000 दिनों में बच्चों की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो इंसिडेंस है वो यहाँ पे बढ़ा है। हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं माओं के अंदर और फैमिली मेंबर्स के अंदर इस बात को लेके अवेयरनेस है कि अगर माँ का वेट, हीमोग्लोबिन लेवल, एज ऑफ कंसेप्शन, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस वाला फैक्टर हम सामने लेके आ पा रहे हैं। बस इंटरनेशनली भी हम इंगेज कर रहे हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने महाराष्ट्र और यूनिसेफ के साथ मिलकर पहला एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया था टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन पीरियड इन पेथ एंड सिनार ब्लॉक्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये प्रोग्राम 27 महीनों में कंप्लीट हुआ और यहाँ पे एडोलोसेंट गर्ल और वुमेन की हेल्थ को प्रमोट किया गया ताकि उनसे बच्चे पैदा होने वाले जो हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके, इस बात को दिया जा सके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका लो बर्थ वेट ना हो, प्रीटर्म बर्थ ना हो, न्यू बॉर्न डेथ ना हो, वगैरह वगैरह। अब इसमें मोबिलाइज किया गया एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को, आशा वर्कर्स को, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स को, एएनएम को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी यहाँ पे मोबिलाइज किया गया। फिर पोषण पखवाड़ा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के एक रिमोट विलेज में चलाया गया। तो इस प्रकार के अलग अलग इंसिडेंसेस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उस इंसिडेंसेस को अब मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूं उतना मुझे वो रेलिवेंट लग नहीं रहा। पॉलिटिकली एक रेलिवेंट आर्टिकल है आज, अ फ्लिकर ऑफ होप फॉर द लेफ्ट इन बंगाल। रिसेंटली 20 सितंबर को कलकत्ता में इंसाफ रैली हुई। इंसाफ रैली को कंडक्ट कर रहा था स्टूडेंट एंड यूथ विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब जब इस पर्टिकुलर यूथ विंग ने कोलकाता की पुलिस से परमिशन मांगी कि हमें एक स्टेज लगाने दो, तो कलकत्ता की पुलिस ने स्टेज लगाने नहीं दिया। फॉर ऑब्वियस रीजंस,
पॉलिटिकल रीजंस, चूंकि कलकत्ता की पुलिस वेस्ट बंगाल सरकार के अंदर है और वेस्ट बंगाल की सरकार ऑब्वियसली बात है तृणमूल कांग्रेस की। तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वेस्ट बंगाल सेक्रेटरी था मोहम्मद सलीम, उसने बोला कि भले ही हमें मंच नहीं दिया है लेकिन जो मानुष लोग हैं उनको आप रैली के पास आने से नहीं रोक सकते। तो कुल मिला के बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है ना, वो अपने कैडर्स को मोबिलाइज कर रहा है और इनकी रैलियों में बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं। एक्चुअली में लोग इनकी तैयारियों में बड़े तादाद में आ रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, 2021 असेंबली इलेक्शंस वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने वोटर्स को मोबिलाइज बहुत किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। और उसके बाद से ये देखा गया कि जितने भी बाई पोल्स हुए हैं, जितने भी सिविक पोल्स हुए हैं, उसमें तृणमूल कांग्रेस ही जीती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। तो अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी जितनी डोमिनेंट थी उतनी डोमिनेंट नजर नहीं आ रही है। एक डाउनफॉल सा देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग शेयर में। कुछ जगहों पे जैसे कि बाली गुंजे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा जाए तो वहां पे वोटिंग जब पड़ी तो भले ही तृणमूल कांग्रेस जीती लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पे भी नहीं थी, बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे था सीपीआई मार्क्सिस्ट का कैंडिडेट। तो 2021 की पॉलिटिक्स के बाद, पोस्ट 2021 ये जो पॉलिटिक्स चल रही है बंगाल में, उसमें नो डाउट तृणमूल कांग्रेस डोमिनेंट है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे नीचे गिर सकती है, रीजन बीइंग कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत सारे स्कैम के इल्जाम लग रहे हैं, जैसे कि एसएससी स्कैम ऑफ तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे बड़े कैश पाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा वहां के एक मिनिस्टर के यहाँ पे, तो करप्शन का इल्जाम है। स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वेस्ट बंगाल के आला अफसरों के ऊपर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा। तो आगे आने वाले समय में अगर इस प्रकार के स्कैम चार्जेस और करप्शन चार्जेस तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी गिरेगी। अभी पॉपुलैरिटी गिरेगी तो बीजेपी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी, बट बीजेपी उस लेवल पे चीजों को कैपिटलाइज कर नहीं पा रही है। तो सीपीआई एम के पास एक मौका बनता है कैपिटलाइज करने का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वो लेफ्ट ग्रुप है जिसने 34 साल वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया है। 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट की सरकार थी बंगाल के अंदर। 2011 के बाद से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई हो तब से तृणमूल कांग्रेस ही है यहाँ पे। तो जरूरी यह है कि जो लेफ्ट फ्रंट है सीपीआई मार्क्सिस्ट के अंदर, ये अपने कोर बेस को टारगेट करें। इनका कोर बेस क्या है, फार्मर्स, किसान। किसान लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते थे, जो वर्कर्स थे वो लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। पहले लेफ्ट फ्रंट का एक बड़े कैरिज्मेटिक लीडर थे चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जब से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन किया, कोई बड़ा ही आप कह लो कैरिज्मेटिक लीडर लेफ्ट का रहा नहीं बंगाल के अंदर। तो इनको एक कैरिज्मेटिक लीडर लाने की जरूरत है, और साथ साथ जो इनका कोर बेस है जैसे कि फार्मर्स हो गए, जैसे कि वर्कर्स हो गए। फॉर एग्जांपल साउथ बंगाल में जो जूट मिल्स हैं, वो जूट मिल बंद हुई, वहां के वर्किंग क्लास के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो ये जो वर्किंग क्लास है ये कोर सपोर्ट बेस होता था लेफ्ट पार्टीज का। इस वर्किंग क्लास के लोगों के लिए लड़ना, इनके कॉज को मीट करना। दुवार और एग्रीगेन रीजन में जो टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको वेजेस डिनाई की जा रही, उनके वेजेस को उन तक पहुंचाना। मनरेगा स्कीम के अंदर वेस्ट बंगाल में बहुत सारे वर्कर्स को लंबे समय से पेमेंट नहीं मिली है, उनकी पेमेंट को उन तक पहुंचाना। अगर इन मुद्दों के ऊपर लेफ्ट फ्रंट लेड बाय सीपीआईएम कुछ एक्शन लेती है तो कल की डेट में अपोजिशन स्पेस में सीपीआईएम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकती है। सीपीआईएम की स्ट्रेटजी अब तक ये रही है कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी दीदी जी को अपोज करना और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जो पीएम साहब है इनको अपोज करना। ठीक है, इनको आप अपोज कर रहे हो तो आप करते रहो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कोर सपोर्ट बेस रहा है, जिसके बेसिस पे पहले आप ताकत में रहते, उनके कॉज को भी लगातार आप पूरा करने की कोशिश करो, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये चीज है। एक और आर्टिकल है G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर। अब G20 की प्रेसिडेंसी में देखिए, अब कुछ खास बहुत ज्यादा बताया गया नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव बिशप परोजली साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो वही सब बता रहे हैं कि भाई ग्लोबल फूड सिक्योरिटी खतरे में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस है, ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है यूक्रेन से, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इंडिया G20 की लीडरशिप में बहुत कुछ हो सकता है, इंडिया पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि कैसे इंडिया फूड डेफिसिट नेशन से फूड सरप्लस नेशन बनाया है, कैसे इंडिया को इंक्लूड करके रेजिलिएंट और इक्विटेबल फूड चेन बनाई जा सकती है। फिर 2021 में जो मातेरा डिक्लेरेशन आया था G20 मिनिस्टर्स का, मातेरा एक शहर है इटली में, उसने रिकॉग्नाइज किया था कि हमारा टारगेट है पॉवर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम जिससे हम हंगर को खत्म कर सकें,
इस मार्टेला डिक्लेरेशन में जो इंडिया का कंसर्न था स्मॉल और मीडियम फार्मर्स के लिए लोकल फूड कल्चर्स को प्रमोट करने का और एग्री डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, G20 में। इन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर, इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में दुनिया भर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फूड सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इंडिया के NFSA की तारीफ की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की तारीफ की गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ की गई है। तो वही सब बातें हैं, कुछ बहुत नया अलग से नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर्स को शेयर करें दोस्तों, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना यूट्यूब के एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रमोट करेगी। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय।